गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल फैमिली। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छा ही होना चाहिए। तो आज है दिन फ्राइडे का और अभी सुबह के तो बहुत ज़्यादा मतलब 8 या 8:30 बज रहे हैं और आज मैंने कोई एक्सरसाइज नहीं की क्योंकि ना आज थोड़ी थकावट हो रही थी रात से और थोड़ा सा ना फीवर सा भी आ गया मुझे, तो मैंने नहीं की। और झुनझुन रो रही थी तो झुनझुन को लेके मैं आ चुकी हूँ, आप मेरी वॉइस से समझ सकते हैं ये चीज़। और बस अब मैं आ चुकी हूँ विदाउट स्लीपर। स्लीपर मैंने नहीं पहनी है क्योंकि मैं ना थोड़ा सा घास में चलने के लिए आई हूँ यहाँ पे, साथ में छुनछुन घूम रही है तो यार मैं थोड़ा घास में चल लूँगी अच्छे से। और आज जो मौसम है ना बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और रात में गर्मी तो नहीं लगी लेकिन सुबह इतनी तेज़ धूप निकली है ना, मतलब अभी 8:30 बज रहे हो, इतनी तेज़ धूप है ना, तो मतलब खड़ा नहीं हुआ जा रहा बाहर। अभी मौसम बहुत ज़्यादा वैसा हो रहा है, मैं दिखाती हूँ आपको भी। हाँ, 8 बज रहे हैं और 8 बजे के टाइम पे इतनी तेज़ धूप है, कड़क धूप है, बैठना भी नहीं हो रहा है कहीं पे भी। देखो और ये घूम रही है मेरी छुनछुनिया। छुनछुनिया क्या ढूंढ रहा है भाई तू? जल्दी तू घूम ले और चलो घर पे बेटा। जब तक छुनछुन घूम रही है मैं इस पर बैठ जाती हूँ बड़े आराम से घास पे, मुझे अच्छा लगता है घास पे बैठना, अच्छा फील होता है, ठंडा ठंडा लगता है ना, अच्छा लगता है ठंडा ठंडा। तो यहाँ मैं बैठ जाती हूँ आराम से जब तक छुनछुन घूम रही है, उसको घूमने दो, हम बैठते हैं यहाँ पे घास में, आराम से बैठेंगे भाई आराम से। किस किस को घास में ना सुबह सुबह घूमना अच्छा लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आप लोग। ये देखिए अब बैठूँगी मैं आराम से। अरे दादा गोइंग रिलैक्स, ये जो डायलॉग है ये है हापू सिंह का आई थिंक, है ना। आ गई मेरे पास कि तू क्यों बैठी यहाँ पे? अरे क्यों तू बैठती तो मैं नहीं बैठू यहाँ पे, तू बैठती तो मैं नहीं बैठू। मिट्टी है, मिट्टी मत निकालना, जा कर रही है, इधर आ इधर छुनछुन। और यहाँ पे आ चुके हैं हमारे स्ट्रीट डॉग डेंगा और गोएरा, तो दोनों आ चुके हैं और यहाँ छुनछुन कर रही हूँ मस्ती, वो ये लोग मुझसे मांग रहे हैं ट्रीट, तो अभी तो मैं नहीं दूंगी, छुनछुन को घर ले जाने के बाद मैं इन लोगों को ट्रीट दूंगी वरना छुनछुन नाराज़ हो जाएगी। और यहाँ बैठ के पी रहे हैं घर आने के बाद मैं और मम्मी चाय, और मम्मी साथ में खा रही थी बिस्किट, तो मैंने तो बिस्किट पहले ही खा लिए थे। और यहाँ साथ में कर रही हूँ नेहा से बातें क्योंकि नेहा मुझसे बोल रही थी कि मुझे भी एक न्यू फ़ोन चाहिए, तो मैंने बोला तू तेरे को दिया था लेकिन तूने उसको क्यों फोड़ दिया, अब नहीं मिलेगा तुझे। तो वो ज़िद कर रही है कि तू नहीं दिलवाएगी ना तो भैया भी नहीं दिलवाएगा ना, तो मैं पापा से बोल दूँगी, पापा से लूँगी, मैं उससे मना कर रही हूँ। और यहाँ पर अंदर आने के बाद मैं लगा रही हूँ ऑयल अपने बालों में, चंपी करूँगी उसके बाद हेयर वॉश करूँगी 1-2 घंटे के बाद। तो मुझसे ना काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि दीदी आप अपने बालों में कौन सा ऑयल डालते हो, कौन सा शैम्पू लगाते हो, तो मैं उनको बताती भी हूँ तो वो इस चीज़ पर ट्रस्ट नहीं करते हैं कि मैं क्या कौन सा ऑयल लगाती हूँ। तो अब आप लोग वीडियो के थ्रू तो देख सकते हैं ना कि मैं अपने बालों में ऑयली मस्टर्ड ऑयल लगाती हूँ जस्ट ओनली, और उसके अलावा मैं कोई और ऑयल नहीं लगाती हूँ क्योंकि मुझे वो सूट भी नहीं करता है। और मैं ना थोड़ा सा क्या है खुशबू वाला तेल होता है या कोई दूसरा तेल होता है ना उससे मेरा सिर चढ़ जाता है, मतलब सिर में पेन होने लगता है बहुत ज़्यादा। और शैम्पू में मुझे जो शैम्पू मिल जाता है चैक्लिनी प्लस सनसिल्क जो भी मिलता है ना मैं वो शैम्पू यूज़ कर लेती हूँ। इसके अलावा मैं अपने बालों में कुछ भी चीज़ यूज़ नहीं करती हूँ, ना तो मैं कोई कंडीशनर यूज़ करती हूँ, बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। और मेहंदी भी मैंने कई सालों बाद अपने बालों में यूज़ की है, वो मैं ट्राई करके देख रही थी कि कैसे लगते हैं बाल। हाँ काफ़ी अच्छे हो गए हैं, पहले से शाइनिंग भी हो गए हैं। और हमेशा अपने बालों में ऑयलिंग करनी चाहिए ना, तो अपने रूट में तो लगाने चाहिए, साथ में जो लेंथ होती है अपने बालों की उसमें ज़रूर लगाना चाहिए क्योंकि लेंथ हमारी सबसे पहले ड्राई होती है नीचे की, तो इसलिए उस लेंथ में ज़रूर ऑयल लगाना चाहिए। ऑयल लगाने के बाद मैं सीधे चली गई थी क्लीनिंग करने के लिए और झाड़ू वगैरह लगाने के लिए, तो सबसे पहले गई थी पापा के रूम में, उसके बाद मैं बाकी रूम साफ़ करूं क्योंकि पापा भी नहा के आएंगे, पूजा करेंगे, खाना खाएंगे, तो उनका रूम उनको क्लीन मिलना चाहिए, उनको उनका रूम जो है ना बिल्कुल ख़राब अच्छा नहीं लगता है। तो सबसे पहले मैं पापा का रूम क्लीन कर दूँगी, उसके बाद पूरे घर की सफाई करूँगी। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left, the
storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. And on. पापा आ चुके हैं घर पे बाहर से, और यहाँ नेहा रो रही थी मोबाइल के लिए, तो पापा इसको मना रहे हैं कि मैं लेके आऊँगा तेरे लिए। और यहाँ मैं लेके आ चुकी हूँ पापा के लिए मिल्क शेक और रू अफ़ज़ा डाल के। तो मैं बोल रही थी पापा अच्छा लगे तो मुझे बताना, मैं आपको और दूंगी, और नहीं अच्छा लगे तो बताना। तो पापा को अच्छा लगा था, तो पापा फिर खुद आ गए थे लेने के लिए यहाँ पे। और बस फिर सारा काम फ्री होने के बाद मैं नहा के आ चुकी हूँ, हेयर वॉश मैंने अच्छे से कर लिए हैं 2-3 घंटे ऑयल रखने के बाद, उसके बाद मैं जाऊँगी खाना खाने के लिए। तो यहाँ आज मम्मी ने बनाया है दाल चावल टिंडे की सब्जी रोटी और आम की चटनी। और यहाँ पे हो रहा है नाइट का टाइम, और नाइट में मैं आई थी टेरेस पे, मैं आप लोगों को ये दिखाने के लिए आई हूँ कि ये देखिए सभी खेतों में फिर से आग लग रही है। और ये आग इसलिए लगाई जाती है, इससे क्या है जो गेहूं का डंठल बचते हैं ना उनमें आग लगा दी जाती है, जिससे जो खाद बनती है ना उससे फसल ना बहुत अच्छी होती है, नेक्स्ट फसल जो होती है बहुत अच्छी होती है, ये मैंने सुना है और ऐसा होता भी है। फिर इसके बाद मैं लेके आई थी नाइट में चुन चुन को बाहर, और इसके बाद मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया। तो मैं करती हूँ अपने वीडियो का यहीं पर एंड, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं हम लोग का नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक।